ये क्या कर रही हो? टी शर्ट निकाल रही हूँ। क्या करोगी इसका? एक बहुत ही बढ़िया सा है, एक नहीं तीन इस ब्राइडल शर्ट होती है ना, उसे हाँ बनाओ, बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। पूरा वीडियो देखना, खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे इस एक्ट में क्या होगा? डेली की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, तो क्या ये डेली लाइफ के लिए यूज़ हो सकता है? तो मैंने कुछ टी शर्ट सेलेक्ट करी हैं, इनको यूज़ करेंगे तीन अलग अलग तरीके से। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये है फुल टी शर्ट और इसकी जो स्लीव्स हैं, सबसे पहले इसको कट कर लें। दोनों स्लीव्स मैंने कट कर लिए। अब इनको एक साथ एक बराबर रख लें और जो जहाँ पर सिलाई होती है ना, उसको इस तरीके से रखें। तो देखिए ये आ रही है हमारी सिलाई। अब इसको नीचे की ओर रखेंगे, ये सिलाई आ रही है। आप इन दोनों कपड़ों को एक साथ ज्वाइन कर दें। अब दूसरे साइड से आपको कट लगाना है, एक छोटा सा। यहाँ पर सिर्फ 2 इंच पे मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी, आप अंदाजे से भी इसको लगा सकते हैं। दोनों कपड़ों को लीजिए और एक छोटा सा कट लगा लीजिए। उसके बाद फिर अपना अंगूठा डालिए, चेक कर लीजिए, अगर ये प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर मतलब छोटा है तो आप छोटा सा कट और कर लें, ठीक है। इसके बाद स्लीव के ऊपर वाले हिस्से को बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये हल्का सा राउंड होगा। इसको पूरा सीधा कर लें। अब यहाँ पर फोल्ड करते हुए हाथों से, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो तुरपाई करके इसको चारों तरफ से पक्का कर लें, कुछ इस तरीके से। ये देखिए कपड़े को मोड़ लीजिए अंदर की ओर और ऐसे फोल्ड करा, एक और फोल्ड करा। अब यहाँ पर आप हाथों से तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो आप मशीन भी चला सकते हैं। दोनों स्लीव्स में सेम काम करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। पूरा सिलने के बाद इसको आप थोड़ा सा साइड से ऐसे ओपन कर लें, आराम से सिलाई में निकल आएगी। अब यहाँ से आपको इलास्टिक डालनी है, इसको डालेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो इस कॉर्नर से शुरू करेंगे और दूसरे कॉर्नर से निकाल लें, उसके बाद इसको नॉट बांध दें। तो ये हो चुका है फिनिश। आप इसे नॉट बांध के भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से रखें एक के ऊपर एक और यहाँ पर अच्छे से इसको टक कर लें। आप कपड़े को सेट कर लें अच्छे से, ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद जितना हिस्सा खुला है वहाँ पर तुरपाई कर लें और ये आपके हैंड ग्लोव रेडी हैं। मैं यहाँ पे आपको कपड़े के ऊपर पहन के दिखा रही हूँ, देखिए आराम से ऊपर तक चढ़ जाएगा और इसमें इलास्टिक है तो आप इसे और ऊपर तक खींच सकते हैं। फुल स्लीव का था और काफी लंबा है तो जितना मर्जी आप ऊपर चढ़ा सकते हैं। जब भी विदाउट स्लीव कपड़े पहने या फिर कुछ ऐसे जो हो शॉर्ट्स या फिर हाफ स्लीव, आप इस तरीके से अपनी स्लीव को पूरा अपने हाथों को कवर कर सकते हैं। आप स्कूटी चलाएंगे तो भी आपके पूरे हाथ कवर्ड रहेंगे। तो ये है मेरा सिंपल सा यूजफुल आइडिया इस समर के लिए पुरानी टी शर्ट की स्लीव से। बात ये सेकेंड आइडिया की बारी, तो स्लीव को हटाने के बाद टी शर्ट का जितना हिस्सा बचेगा हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको कट कर लें इस तरीके से, एक साइड से इसको खोल लेंगे। तो देखिए जहाँ से स्लीव कट करिए वहाँ पर आपको कॉर्नर दिखेगा, मतलब कोना दिखेगा, तो उसको भी हम सीधा कर लेंगे ताकि कपड़ा हमें पूरा सीधा मिल जाए। तो देखिए ये है खुला हिस्सा, यहाँ से हम निशान लगाएंगे, टी शर्ट का नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ से आप 10 इंच 11 इंच 12 इंच इतना निशान लगा लें और इसके बाद ऊपर एक सीधी लाइन खींच लें, इसको हल्का सा कर्व कर दें। अगर आपको कर्व करने में दिक्कत होती है तो इस कॉर्नर पे 3 इंच पे ऐसे निशान लगाएं, उसके बाद इसको हल्का सा गोलाई ऐसे इस तरीके से दे दें तो ये प्रॉपर शेप आ जाएगा। कॉर्नर पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको पूरा मिला लेंगे, कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये है इसका गोलाई वाला हिस्सा और ये है इसका 3 इंच वाला हिस्सा, ठीक है। और ये यहाँ से ज्वाइंट रहेगा क्योंकि ये ऊपर जो हमारा नेक होता है ना, शोल्डर, ये वो हिस्सा है, ठीक है। तो इसको सिलने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कट करेंगे तो ये इसी शेप में आ जाएगा, पूरा वेल शेप में। और ये है नीचे का हिस्सा, इसको आपको चाहे तो सिलें चाहे तो ना सिलें, ठीक है। आपके पास एक सिलाई करनी है यहाँ तक, बस काम खत्म।
देखिए सेकंड DIY भी कंप्लीट है। ये हमारा हेड टॉवल, और आप इसको जब भी हेयर वॉश करें इसको रैप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे आपकी टी शर्ट कॉटन की हो। और यहाँ पर जो 3 इंच वाला था हिस्सा है ना, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलास्टिक लगा दी है और इसके ऊपर एक सिलाई कर दी है, ये देखिए। ठीक है, ये पूरा काम आप हाथों से सुई धागे की हेल्प से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही सिलाई करनी है। और नीचे की ओर मैंने कोई सिलाई नहीं करी, कोई फोल्ड नहीं करा, ये जैसा है मैं इसे ऐसे यूज़ करूँगी। जब भी हेयर वॉश करें इसको आप यूज़ करें इस तरीके से, बालों को अच्छे से कवर कर लें और अंदर की ओर कपड़े को मोड़ते हुए बालों को अच्छे से रैप कर लें। और अब ये जो इलास्टिक है ना, ये पूरा बालों को कवर कर लेगी। आप इसको फोल्ड करते हुए इसे पूरा लॉक लगा लें, जैसे जूड़ा हम फोल्ड करते हैं, ये देखिए पूरा लॉक हो जाएगा, है ना। अच्छा आइडिया, जब भी हस्बैंड की टी शर्ट हो जाए पुरानी, अपने लिए टॉवल बनाइए, छोटी सी टॉवल आपके बहुत काम आएगी। अब चलते हैं अपने थर्ड आइडिया में। यहाँ पर मैंने लिए एक फुल टी शर्ट। जी हाँ, ये फुल टी शर्ट मतलब एकदम फ्री साइज है, स्लीव्स इसकी हाफ है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। जी हाँ, अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, बस टी शर्ट लीजिए और इसको ऐसे फोल्ड कर लें। ठीक है, मैंने फोल्ड कर दिया। अब आप कोई भी उनकी शॉर्ट्स ले लीजिए और इसको फोल्ड करके इस तरीके से रख लें, कपड़े को अच्छे से सेट कर लें और इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए जो हमारा बंद वाला हिस्सा है, वहाँ पर हम अपनी ट्राउज़र को इस तरीके से रखेंगे, बंद वाले कपड़े पे बंद वाला हिस्सा रखेंगे और इसका कॉर्नर को अंदर की ओर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इसका नीचे की ओर सिलाई होती है, यहाँ पे हमें कट नहीं करना है और इसमें ना के बराबर काम होता है। तो ये जैसा इसको ऐसे ही फोल्ड कर लें, ऐसे ही रख दें। अब 1-1 इंच में पूरा ड्रॉ कर लें, ऊपर के साइड जहाँ इलास्टिक है वहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा करके निशान लगा दें। अब इसको कट कर लें। पूरा खोलें, ये देखिए इस तरीके से सेट कर लें। तो ये हमारे दोनों पीसेस रेडी हैं। अब बीच में जो ज्वाइंट है इसको भी खोलें, और कपड़े को अब सिलना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जो बीच वाला हिस्सा है ना, आपको इसको पकड़ना है और उल्टे साइड से, मतलब कपड़े को उल्टा कर लें। ये देखिए पहले इसको ऐसे अच्छे से खोल लें। अब इसके कर्व वाले हिस्से को आपको ज्वाइन करना है, एक बार यहाँ से फिर दूसरे साइड उधर से, तो मतलब दोनों कर्व को ज्वाइन कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, अब इनको खोल लें। ये देखिए ये ज्वाइन कर लिया, अभी कपड़े को सीधा कर लें। कपड़े को खोलने के बाद ये देखिए आपको ये वाला हिस्सा सिलना है, ये जो लेग वाला हिस्सा है, और नीचे की ओर फोल्ड है बॉटम, आपको सिलने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सिलाई यहाँ पर करनी है। जितना भी आप कपड़ा है उससे थोड़ा सा कम इलास्टिक आप ले लें, चौड़ी इलास्टिक डालिएगा और इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिल लें। तो देखिए मैं हमेशा इस तरीके से सिलती हूँ, एक बार ऐसे दबाते हैं, ये इस तरीके से कपड़े को अंदर की ओर दबाया, फिर एक और फोल्ड कर लिया। ठीक है, कपड़े के किनारे किनारे सिलाई कर लीजिए। बस आपको सिलाई जो करनी है कपड़े के ऊपर करनी है, इलास्टिक अंदर की ओर रहेगी, उसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है। इस तरीके से करेंगे ना तो कोई भी झोल नहीं आएगा और आपकी इलास्टिक भी नहीं फंसेगी। ठीक है, तो पूरे में इलास्टिक डाल लें, बस आपकी शॉर्ट्स रेडी है। तो ये देखिए समर स्पेशल शॉर्ट्स रेडी है। अब आप चाहें तो इसको अपनी बेटी के लिए बनाएं या फिर बेटे के लिए बनाएं, कैसे बहुत जल्दी बन जाता है। तो तीनों ही आइडिया में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप इसको बिना मशीन के भी बना सकते हैं, या मशीन है तो मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो झटपट बनने वाली और इस गर्मी की ज़रूरत है ये तीनों चीज़ें। कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।